नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति नेचर केयर में। आज हम आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड के बारे में। थायराइड को आप बिना मेडिसिन या दवा लिए घरेलू नुस्खे से कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थायराइड की समस्या आजकल एक गंभीर समस्या बनी हुई है। थायराइड गर्दन के सामने और स्वतंत्र के दोनों तरफ होती है। यह दिखने में तितली की आकार की तरह होती है। थायराइड गले में पाए जाने वाली एक ग्रंथि है, जो गले में पाए जाने वाली इस थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हॉर्मोन्स निकलता है। जब इस ग्रंथि से निकलने वाले थायरोक्सिन हॉर्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, तब शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती है। थायराइड किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। बच्चों में थायराइड की समस्या होने पर उनकी लंबाई कम हो जाती है और शरीर फैलने लगता है। महिलाओं पर इसका प्रभाव कभी कभी सामने नजर आता है। कुल मिलाकर यही कहना होगा कि आमतौर पर थायराइड की बीमारी जान तो नहीं लेता, पर हाँ, ये परेशान बहुत ज़्यादा करता है। साथ ही हमारी लुक को भी भद्दा कर देता है। तो अब थायराइड की समस्या से भागने या इसे झेलने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारे बताए गए कुछ इलाज अपनाएं और जल्द से जल्द थायराइड नामक की बला से राहत पाएं। महिलाओं में आजकल थायराइड की दिक्कत बढ़ती जा रही है। थायराइड में वजन अचानक से कभी बढ़ जाता है या कभी अचानक से कम हो जाता है। इस रोग में काफ़ी दिक्कत होती है। आयुर्वेद में थायराइड को बढ़ने से रोकने के बेहद सफल प्रयोग बताए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर उपचार की वस्तुएं हमारे किचन में ही मौजूद होती है। तो आइए जानते हैं थायराइड से छुटकारा पाने के लिए बेस्ट घरेलू उपचार। तो सबसे पहले उपचार नंबर एक में लेंगे अदरक। अदरक में मौजूद गुण जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि थायराइड की समस्या से निजात दिलवाते हैं। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण थायराइड को बढ़ने से रोकता है और उसकी कार्यप्रणाली में सुधार लाता है। उपचार नंबर दो में है दही और दूध। दूध और दही में मौजूद कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन थायराइड से ग्रसित पुरुषों को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। इसलिए थायराइड की समस्या वाले लोगों को दही और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। उपचार नंबर तीन में है मुलेठी। थायराइड के मरीजों को थकान बड़ी जल्द ही लगती है और वे जल्द ही थक जाते हैं। ऐसे में मुलेठी का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। मुलेठी में मौजूद तत्व थायराइड ग्रंथि को संतुलित बनाए रखते हैं और थकान को ऊर्जा में बदल देते हैं। मुलेठी थायराइड में कैंसर को बढ़ने से भी रोकता है, तो इसलिए थायराइड में मुलेठी का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना गया है। उपचार नंबर चार में है गेहूं का ज्वार। गेहूं का ज्वार आयुर्वेद में थायराइड की समस्या को दूर करने का बेहद और सरल प्राकृतिक उपाय है। इसके अलावा यह साइनस, उच्च रक्तचाप और खून की कमी जैसी समस्याओं को रोकने में भी प्रभावी रूप से काम करता है। थायराइड ग्रंथि को बढ़ने से रोकने के लिए आप गेहूं का ज्वार का सेवन कर सकते हैं या फिर इसका जूस भी ले सकते हैं। उपचार नंबर पाँच में है साबुत अनाज। जो पास्ता और ब्रेड आदि साबुत अनाज का सेवन करने से थायराइड की समस्या नहीं होती, क्योंकि साबुत अनाज में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन आदि भरपूर मात्रा में है, जो थायराइड को बढ़ने से रोकता है। उपचार नंबर छः में है लौकी। थायराइड की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए रोजाना सुबह खाली पेट लौकी का जूस पिए। इसके बाद एक गिलास ताजे पानी में तुलसी की दो बूंद और कुछ मात्रा में एलोवेरा जूस पिए। अब आप आधे घंटे तक कुछ न खाए पिए।
रोजाना ऐसे करने से थायराइड की बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। साथ ही विटामिन ए, थायराइड के मरीज को अपने भोजन में विटामिन ए की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। विटामिन ए थायराइड को धीरे धीरे कम करता है। थायराइड में गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। उपचार नंबर 7 में है मौसम्बी का जूस। जूस पीना शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। थायराइड के मरीज को रोजाना एक ग्लास ताज़ा मौसम्बी का जूस जरूर पीना चाहिए। उपचार नंबर 8 में है काली मिर्च। थायराइड को ठीक करना चाहते हैं तो तुरंत काली मिर्च का सेवन शुरू करें। काली मिर्च का सेवन करने से थायराइड की बीमारी ठीक हो जाती है। काली मिर्च का सेवन आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। उपचार नंबर 9 में है हरा धनिया। हरे धनिए को इस्तेमाल से थायराइड को ठीक किया जा सकता है। ताज़े हरे धनिए को बारीक पीसकर उसकी चटनी बना ले। अब उस चटनी को रोजाना एक ग्लास पानी में धोकर पिए। रोजाना पानी के साथ हरे धनिए की चटनी का सेवन करने से थायराइड धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है। उपचार नंबर 10 में है अंडा। अंडा खाना भी थायराइड के मरीज के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है। अंडा खाने से थायराइड कंट्रोल में ले जा सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी हेल्थ रिलेटेड पोस्ट आप तक जल्द से जल्द हम पहुँचाते रहें।